अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और दुआ करती हूँ यहाँ के भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों और खुश रहें, और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो कुछ यूँ है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आलू गोश्त की वीडियो है। आलू गोश्त की जो वीडियो है, मेरी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक मौजूद है, लेकिन ये कुछ हट के है, ये ऐसे है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, और इस वीडियो को मेरे इस तरीके से बनाना, तो देखना जो आप लोगों की फैमिली की कंप्लेनिंग होती हैं कि टमाटर जो है टमाटर खड़े खड़े नजर आ रहे हैं, मसाला खड़ा खड़ा नजर आ रहा है, कच्चापन उसमें जो टेस्ट आ रहा है सही टेस्ट नहीं है, तो ये वाली वीडियो आप देखें और इसी रेसिपी को फॉलो करें। मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो देखना सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कुछ अलग तरीके से आलू गोश्त बनने वाला, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट वाला। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी मैंने ये लिया एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा मटन। आप ये वाली रेसिपी जो है आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन भी बना सकते हैं, बीफ में, मैं बीफ लिया है, सॉरी बीफ मेरे पास है ये एक किलो, और इसमें मैं डालूंगी ये मिसाले, हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे पहले, तो मैं दिखा दूँ, तो मैं दिखाती हूँ मिसाले पहले। ये मेरे पास मिसाले कुछ यूँ हैं कि एक डेढ़ चाय का चम्मच जो है वो है लाल मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और डेढ़ चाय का चम्मच एक होम मेड गर्म मसाला, और एक चाय का चम्मच है ये नमक। जो सॉल्ट है, तो नमक जो होता है वो अपनी नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, और हमेशा नमक जो है कम डालना चाहिए, हम बाद में ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाए तो निकाल नहीं सकते। और ये जो है एक चाय डेढ़ चाय का चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन सीड पाउडर, और ये एक चाय का चम्मच मेथी, अगर मेथी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो हम इस मिसाले को डालते हैं इसके अंदर गोश्त में, ये डालती है शुरू में, और हमारे पास है डेढ़ चाय का चम्मच अदरक पेस्ट, डेढ़ चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट, वो डाल देंगे हम इसमें, और हम डालेंगे इसमें तकरीबन दो चाय का चम्मच लेमन जूस, और हम इसमें डालेंगे योगर्ट, तकरीबन आधा कप जो है वो योगर्ट भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करने के बाद दिखाते हैं इसे, मिक्स करके देखिए मुझे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मिक्स करके हम इसको अगर रखेंगे तो ये देखिए, जैसे हमने सुबह पकाना है तो हम रात को भी मिक्स कर, अगर मसाला लगा कर रखें सुबह आसान से पका सकते हैं, बहुत ही जितनी देर तक मसाला लगा कर रखेंगे इतना ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त बनेगा। तो ये चिकन में भी मैं आपको बता रही हूँ बना सकते हैं, और मटन में भी, और अब इसको हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं मैरिनेट करके, अगर नहीं तो आप साथ बना सकते हैं, फिर भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए ये मैरिनेट हो गया। अब इसके बाद दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है हमने। जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो मैंने एक प्याज लिए, प्याज को मैंने देखे मोटे स्लाइसेस में काट लिया, मोटे से क्यों काटा मैं दिखाती हूँ। और ये टमाटर दो लिए मैंने, टमाटर को मैंने इस तरीके से काट लिया, एक हरी मिर्च है और ये एक मीडियम साइज की प्याज है, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा बड़ी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और आपको ये याद रखना है कि हम इस सालन में दो तरीके से प्याज यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा प्याज नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका क्या करना है वो मैं नेक्स्ट सिखाती हूँ। तो अब हम लेंगे पतीली, एक पतीली लेंगे या जिसमें भी आप सालन पकाते हैं वो ले लें। तो अब इसमें मैं डालूंगी दो से तीन टी स्पून, यानी कि खाने के चम्मच जिसे स्पून के साथ खाना खाते हैं ना, ये थोड़ा सा ये देखे इतना सा ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं डालूंगी ये प्याज और हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने आपको दिखाया, हम इसको तेज आँच से दो या तीन मिनट फ्राई करना है और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद हमने पकाना नहीं, बस कलर चेंज करना, हमें कच्चे का भी पेस्ट बना सकते हैं लेकिन वो पेस्ट जो है ना अच्छा आएगा ऐसे ही, देखिए कच्चे का भी कर सकते हैं मैं, लेकिन मैं ऐसे करके करती हूँ हमेशा, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा पकाना नहीं। और आपने ऑयल देखा है कम डाला मैंने, ऑयल देखिए जिसमें बनाना चाहिए आपकी मर्जी, तो इसको तीन से चार मिनट तेज़ आँच से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ये देखिए ये दो से तीन तकरीबन चार से पाँच मिनट हो चुके हैं, तेज़ आँच से कर रहा है, पकाया नहीं इसको। अब हम क्या काम करेंगे, ये इतना तेज़ी से करा रहा है टी वी का वो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से करा रहा है। तब मैं इसको निकाल लूँगी बैग, इसके बाद ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे, इतनी देर में हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। तो ये देखिए आपको ये याद रखना है कि हमने इसमें प्याज डालेगी तो दूसरी प्याज भी हमें उसके मुताबिक डालनी चाहिए, वरना ज़्यादा प्याज होने से जो सालन होता है ग्रेवी वाला वो मीठा हो जाता है। तो इसको करते हैं साइड पर, ये होएगा ठंडा, और मैं आपको बता दूँ ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। नेक्स्ट क्या करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। अब वही वाली जो पतीली है जिसमें मैंने वो प्याज और टमाटर का पेस्ट करा, उसी में डालेंगे हम ऑयल, तकरीबन एक कप ऑयल डालेंगे हम,
एक कप और डाल के बाद डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो टमाटर सॉरी टमाटर आलू जो है, हम आलू गोश्त बना रहे हैं तो आलू मैंने काट लिए थे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हम आलू डाल के आलू को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा लाल करेंगे। तो आलू को फ्राई करते हैं उसके बाद दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं तेज आंच पे फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ क्या कलर, थोड़ा सा हमने लाल करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इससे क्या होता है कि सालन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और जो आलू है उनका वो आलू गोश्त के अंदर जो आलू उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई, उसके बाद यानी कि 5 मिनट के लिए तेज आंच पे, उसके बाद दिखाते हैं ये जो प्याज जो आलू है हमारे का थोड़े से हो चुके हैं फ्राई, वो 5 मिनट के लिए कुछ इस तरह। अब हम उनको निकाल लेंगे, आलू सारे हम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना। ये देखिए आलू मैंने साइड पे कर लिए 5 मिनट को फ्राई करने के बाद। अब नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ मैंने लिए गरम मसाले जिसमें है दालचीनी क्या तीन टुकड़े, 3 है छोटी इलायची और 4 लौंग जो है आपने दाने वाले लेने हैं ऐसे वाले, और 1 चाय के चम्मच है जीरा क्यूमिन सीड यानी के, और ये हैं 11 से 12 दाने हैं उसके काली मिर्च के, और 1 खड़ी लीफ तेज पत्ता कहते हैं करीब, 1 वो लेना है। और अपने नेक्स्ट ये है हमारे पास प्याज, ये देखिए प्याज बिल्कुल ये वाली प्याज इस तरह से प्याज जो है ना बिल्कुल जितनी ज़्यादा हो सके इतनी ज़्यादा 3 स्लाइस यानी कि बिग स्लाइस उसमें काटनी है, और इसको हम करेंगे फ्राई। और मोटी प्याज होगी तो वो खाने में नज़र आएगी और मुंह में आएगी, तो इसलिए जितनी हो सके इतनी पतली और 3 स्लाइस में काटें। तो अब क्या करते हैं ये प्याज हम डालते हैं उसमें मसाले में, ये जो मसाले हमारा जो हो गए तकरीबन 30 सेकेंड हो गए, अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, और प्याज को हमने हल्की आंच पे ब्राउन करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है क्योंकि हमारी प्याज जल जाए या कच्ची पक्की हो जाए तड़ नहीं जाए, हमने हल्की आंच पे इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्राउन करना है। और ये ब्राउन करनी है उसके बाद दिखाते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ और इसीलिए कह रही हूँ मेरी वीडियो को फुल देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। ये टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्याज जो कहीं से थोड़ी सी लाल हो जाती है, कहीं से जल जाती है, आधी होती है पूरी यानी कि मुकम्मल तरीके से नहीं होती यानी कि बराबर नहीं, तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, 1 चुटकी भर नमक ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी प्याज जो है वो बराबर की ब्राउन होगी यानी कि सारी एक ही दफ़ा होगी। तो ये है टिप, तो ब्राउन होने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्याज जो है वो इस तरीके से अपनी देखा मैं इतनी कर रही है, कोई जली नहीं है कुछ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन होगी और बराबर तरीके से हुई है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था मसाला लगा के, उसको ऐड करेंगे। और ये ऐसे प्याज करने से ये होगा कि ये गोश्त हम डालेंगे जब जैसे गोश्त फ्राई करेंगे भूनेंगे तो ये जो प्याज है साथ ही वो मिल जाएगी घुल जाएगी और गल जाएगी, और जब सालन खाएंगे तो मुझे नहीं आएगी और सालन के ऊपर दिखाई नहीं देगी। अब हम मीडियम टू स्लो आंच से इसको फ्राई करेंगे, इसका जो अपना पानी निकलेगा उसके साथ और उसको फ्राई करेंगे और पानी ड्राई करेंगे उसके बाद दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये गोश्त का पानी अपना निकलेगा ना जो हमने योगर्ट डाली है और गोश्त का अपना पानी होगा। मीडियम स्लो पे रख के हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्राई करना है, जिसका अपना पानी निकलेगा वो ड्राई होगा, उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं हमने क्या करना है और इसे मैं पेस्ट बना लूँगी जो मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए ये 25 मिनट हो चुके हैं और हमने जो है गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, गोश्त का जो पानी निकला और फ्राई कर लिया, फिर तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो मैंने जो आपको दिखाया था टमाटर प्याज और हरी मिर्च जो मैंने फ्राई करी थी थोड़ी सी उसके मैंने पेस्ट बना लिया, अब हम ये शामिल कर देंगे इसमें शामिल कर देंगे। और इसको शामिल करने के बाद अगर ये चिकन होती तो मैं यहीं पर इसके अंदर जो है जो आलू है वो शामिल कर देती, लेकिन ये गोश्त है गोश्त में टाइम लगता है गलने में, आलू तो जल्दी गल जाते हैं। तो मैं अब क्या काम करूँगी इसमें मैं आप डालूँगी यहाँ पे 1 गिलास पानी का, और पानी का 1 गिलास डालने के बाद मैं इसको ढक्कन डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊँगी। और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं आप लोगों को पता होगा कि आपको लोग गोश्त है वो कितनी देर तक गलता है, तो गोश्त को हम तकरीबन 75% जो 85% गलाएँगे और दूसरा जो 15% होगा वो हम गलाएँगे आलू के साथ। तो हमने गोश्त को गलाना है और हम इसमें डालेंगे तकरीबन
एक गिलास पानी का डाल के, क्योंकि ये पेस्ट जो बनाया इसका भी पानी होगा प्याज वगैरह का, तो इसमें ये देखने जा रही है और इसको ढक्कन ढक के हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त जो है 85% गल नहीं जाए। और हम गलाने के बाद फिर जो 75% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर हम गोश्त की बुनाई भी करेंगे। अभी भी हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है लेकिन कुछ हम फिर भी बुनाई करेंगे। और अगर चिकन होती तो मैं आपको बताया था पेस्ट डालने के बाद मैं आलू डालती और उसके साथ एक या डेढ़ गिलास जितनी ग्रेवी रखनी होगी पानी वो करती, लेकिन ये वाला पानी ग्रेवी के लिए नहीं है, ये गोश्त गलाने के लिए, फिर हम गोश्त की बुनाई करेंगे उसके बाद। तो मिलते हैं जब तक गोश्त हमारा गलता है 75%, उसमें 20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी। तो ये आप लोगों को खुद पता होगा कि गोश्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गोश्त कितनी देर तक गलता है। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। और हमने मीडियम टू स्लो पे पकाना है इसको जब तक गोश्त 75% तक गल जाए तब तक। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं क्योंकि मैं अगर 20-25 मिनट कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि 20-25 मिनट के बाद ही मैं ढक्कन हटाऊंगी। मैं हर 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसको हिला के हिलाती रहूंगी, चेक करती रहूंगी। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, तो हर 5 मिनट के बाद हिलाना है और फिर करना है। ये नहीं कि हमने ढक्कन ढक दिया तो हमने 25 मिनट के बाद ही ढक्कन हटाना है, और बिल्कुल स्लो, मीडियम टू स्लो आग पे पकाना है। ये तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने चेक करती रही साथ साथ, और गोश्त जो है हमारा वो 75% गल चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटा के अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, और बुनाई करते हुए आप यहाँ पे नमक में चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप नमक ऐड कर लीजिए, अगर यानी कि सॉल्ट, अगर मिर्चें कम है तो आप हरी मिर्च जो है वो काट के डाल सकते हैं या काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने पोटैटो रखे थे ब्राउन करके, उनको शामिल कर लेंगे, और इन पोटैटो को डाल के हमने अच्छी तरीके से बुनाई करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करनी, क्योंकि ये वाली जो बुनाई होगी ना ये ज़्यादा हमारे सालन में टेस्ट लाएगी ग्रेवी के अंदर। ग्रेवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मसाले को अच्छा तरह भुना जाए, तो हम अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो क्योंकि 75% गोश्त गला हुआ तो और आलू भी नहीं गले हुए, तो इसलिए क्या होएगा कि जो हमारे जो आलू भी नहीं टूटेंगे और गोश्त भी नहीं टूटेगा भुनने से। तो हमने तकरीबन तेज़ नहीं मीडियम आँच पर रख के इसको बुनाई करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, हमने इसको अच्छी तरीके से बुनाई करना जब ऑयल जो सेपरेट हो जाए और ये पानी के बीच में नज़र आ रहा है ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट के लिए बुनाई करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद देखिए अब ऑयल ऊपर आ चुका है और अच्छी तरीके से हमें बुनाई कर रही है गोश्त की। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, मैं 2 गिलास डालूंगी क्योंकि हमें जितनी चाहिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा ग्रेवी पतला रखना चाह रहे हैं तो आप एक गिलास और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं शामिल करूँगी इसमें जो धनिया, और धनिया मेरे पास फ्रोजन है, आपके पास फ्रेश है तो वो ऐड कर सकते हैं, ये अभी खुल जाएगा थोड़ी देर में। तो अब इसमें शामिल करूँगी पानी, ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया, और धनिया डालने का भी ये मकसद है, हम ऊपर से भी बाद में भी डाल सकते थे पकाने से, यहाँ पे जो इसका जो टेस्ट आएगा इसमें। आप जो ये वाला आलू गोश्त की रेसिपी बनाएंगे तो आप जो शादियों वाला आलू गोश्त है देगों वाला और दूसरा भूल जाएंगे, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनता है और इतना ज़बरदस्त, और कोई गोश्त में हमक नहीं आ रही इसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये जो हमने तब तक पकाना जब तक ये आलू जो है ना ये गल जाए और ग्रेवी जो है थोड़ी सी यानी कि चौथा जिन्हें मैंने 2 गिलास डाले ना तो मुझे आधा गिलास इस पर पानी का सुखाना है, तो तकरीबन 10 मिनट लगेगी तब तक ये पानी भी हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है, और आलू में तो आलू गोश्त में तो ग्रेवी अच्छी होती है ना, ग्रेवी के लिए तो आलू गोश्त कहते हैं। तो इसका बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम ढक्कन ढकेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका बॉयल बहुत अच्छी तरीके से आ गया, अब हमें इसको स्लो आग मीडियम टू स्लो करके आग पे सिली में 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। कितनी देखिए कितनी ग्रेवी अच्छी, इसका मसाला कितना अच्छी तरीके से बना, कोई प्याज नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला बना है और ज़बरदस्त जो है इसका खुशबू आ रही है। तो अब इसका ढक्कन ढक देते हैं हम लोग तकरीबन 10 मिनट के लिए, उसके बाद जो खोलेंगे ढक्कन इसका दिखाऊंगी फाइनल लुक 10 मिनट के बाद। मीडियम टू स्लो करने, बिल्कुल तेज़ आँख पर नहीं रखना, हमने सिर्फ आलू गलाने, आलू गल जाएंगे तो उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। तो जी आलू हमारे गल चुके हैं, ये देखिए ज़बरदस्त रेडी हो गया है हमारे आलू गोश्त का सालन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खूबसूरती और करने के लिए कुछ हरी मिर्चें, और जैसे चलिए तो मैं डिश आउट कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। डिश आउट करने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये बन के रेडी हो गया फाइनल लुक आलू गोश्त का, आलू गोश्त के सालन का।
बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रोटी के साथ खाएं, चावल बॉयल करके उनके साथ खाएं, नान के साथ खाएं। एक दफ़ा बना के ये डिश ज़रूर खाएं, और अगर आप ये डिश बना के खाएंगे तो एक दफ़ा नहीं हज़ार दफ़ा खाएंगे। तो ये क्योंकि ये डिश बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सारे आलू गोश्त के सालन को भूल जाएंगे। तो अगर आप बनाएंगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर यू विद योर फैमिली फ्रेंड। सब्सक्राइब करने से ये होगा और बेल प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलू गोश्त के सालन का